ये देखिए छोटे से बलूत की मादी ने काली चोच। इस कबूतरी की पट्टी थी भाई जो जो मेरे पास डे नाइट मैच में अच्छा 20 घंटे उड़ी थी। अच्छा 20 घंटे? हाँ 19:30-20 घंटे वो कबूतरी उड़ी थी। इस कबूतरी पट्टी थी भाई, रात को बैठी थी 2:15 बजे। 2:15 बजे बैठी, सुबह कितने बजे की फड़क थी? 7 बजे की फड़क थी भाई वो। हाँ क्योंकि सर्दियों में तो इतने बजे की। और उसका भी शौक करवा देता हूँ मैं आपको, देखिए गहरी कल्सरी दिखा देते हैं आपको। जी नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है जी? तो दोस्तों आ गए हैं आप साहिल भाई की छत पे। और दोस्तों जो ऑल इंडिया का पूरा था दिल्ली में, उसमें जो टॉप 3 थे उनका शो से आपको शौक करा दें। इसमें 3rd इनाम भाई साहिल नाहरपुर था, 2nd इनाम मुर्तजा का था, और 1st इनाम भाई अजय उस्ताद जी का था। ठीक है, तो अजय उस्ताद जी की भी कबूतरों का शौक कराएंगे, मुर्तजा उस्ताद जी के भी। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं और पंजाबी कबूतरों का आपको शौक कराते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं आप साहिल भाई की छत पे। कैसे हो साहिल भाई? सभी भाई राम राम है। क्या कहना चाहेंगे आज के कल कबूतरबाजी में? पहले तो शौक कराते हैं फिर बाद में आराम से बात करेंगे। ठीक है, दिखाइए पहला। आज वैसे क्या इरादा है, कौन से कबूतर सारे दिखाएंगे आज? आज मैं अपनी छत के जो मेरे कलसरे और फुलसरे कबूतर जो है आज कोशिश रहेगी भाई इनको शौक करवाने की। सिर्फ कलसरे कलसरे का शौक कराएंगे लोग, मद्रासी पंजाबी पंजाबी दिखा देते हैं टोटली, कलसरे फुलसरे ललसरे सारे। थोड़ी सी कोशिश यही रहेगी। ठीक है ठीक है, और सभी भाइयों को धन्यवाद है जी, इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, बहुत सपोर्ट। ठीक है, पहला कबूतर दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए आंखों का शौक करिए इसकी, बहुत शानदार आंखें हैं दोस्तों ये देखिए। क्या है साहिल भाई इसका? भाई ज़्यादातर बच्चे इसी को उड़ते हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, और इस कबूतर को मेरे पास लगभग हो गए होंगे 10-12 साल। अच्छा हाँ, जो ज्यादातर नस्लें हैं वो मेरी सी कबूतरों की उड़ती है। ठीक है, कुछ कुंदो कराइए से परो पंजो का क्या? ये तो अब थोड़े झाड़ वाड़ पे ऐसे आ रखे हैं, ये वाइब्रेशन देखो कबूतर की बहुत बढ़िया है जी। कुंदा देखिए बहुत जबरदस्त है, और ठंड में भी इतना सारा इनको संभाल रखा है वो बड़ी बात है जी। मेरे को बहुत पसंद है भाई कबूतर। मखियाले बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलते हैं पंजाबी खासकर जी। आंखों का शौक करिए पहले, ये देखिए क्या चमक है, बहुत बढ़िया। इसका क्या रिजल्ट रहा है भाई? भाई इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ते हैं, वाइब्रेशन इसकी भी देखो थोड़ी पर होगी। कुंदो का शौक आपको, कैसे वाइब्रेट हो रहा कबूतर। ठीक है, तो दोस्तों कबूतर बहुत सारे हैं, तो चलिए आपको नीचे चलते हैं लॉफ्ट के नीचे, वहाँ दिखाएंगे कितने बढ़िया बढ़िया कल्सरे जो है कलेक्शन है भाई की। ठीक है, और साथ में भाई सपोर्टिंग भाई अपने सारे सपोर्ट कर रहे हैं कबूतर दिखाने में। एक कबूतर का और शौक कराते हैं आपको सनलाइट में, आंखों का शौक करना दोस्तों इसकी। ये जर्रापन देखिए पहले आप, तो पंजाबियों में भी कुछ आंखों का महत्व रहता है वैसे, जैसे वजूद वजूद का रहता है। वजूद तो सबसे बेटर होता है, वजूद सबसे पहली जो लंबे टाइम कबूतर उड़ेगा उसका वजूद बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, एक जो बड़ा कबूतर होता है वो 1-2 साल के अंदर जैसे इंसान के हिसाब से बातें होती है ना भाई, और जो कबूतर होगा वजूद वाला, मेरे पास अभी भी कई कबूतर ऐसे है जिनको 10 या 12 साल हो गए उड़ते उड़ते बाजू में। अच्छा हाँ, 10 से 12 साल रेगुलर उड़ रहे हैं, 10-12 घंटे की रेगुलर उड़ान। जोड़ों में भी लगाते हो या फिर जोड़ों से अलग रहते हैं? वो जब उड़ान खत्म करेंगे ना अपने जोड़े में डाल देते हैं, तब जोड़े में जाएंगे। और फिर उड़ने से पहले 2-3 महीने पहले तब तक वो जोड़ उड़ने लायक ही रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। मतलब तो ये पंजाब में तो बढ़िया है कि जोड़ से हटा के भी आप उड़ा सकते। मेरे पास 8-10 घंटे तो 8 या 10 साल तो नॉर्मली कबूतर उड़ाता हूँ, उसके बाद जोड़े में जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसका कुछ कुंदा दिखाइए, कुंदा दिखाइए, कुंदा। अच्छा अभी कैच में डाल दिया था, ये सब जोड़े में डाल दिया, ये बड़े कबूतर हो गए ज्यादा। चलो ठीक है, नीचे चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है, और भाई की छत ये भी है, वहाँ पे सारी जोड़ों वाली छत है, बहुत बड़ी छत है भाई की, जबरदस्त छत है। और इसमें हम नाहरपुर में देख रहे कितना जबरदस्त एरिया है, और जो बाजी में उड़ते हैं भाई इसी जाल पे सारे बैठते हैं। ठीक है, छतरी पे या फिर जाल पे ऐसे रहता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों अब नीचे आ गए हैं लॉफ्ट में, और अब दिखाते हैं ये वाली मादिन। ये जोड़ है मेरा पूरा मखियालों का जोड़ है, ये देखो ये वाला जोड़ भी। बैठक दिखाते हैं, बैठक देखो, बैठक का शौक करो भाई। पंजाबी हैं तो थोड़ा बैठ भी जा रहे हैं, नहीं तो मद्रास तो भाई रुकते भी नहीं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ये जर्सी आंखों में माध्यम है इसका, और नर का शौक कराया था आपको जो।
ठीक है, बाकी और भी नीचे हैं उनका भी। ये मेरे कलसरे कबूतरों का भाई, ये मेरा कलसरा कबूतर, इसकी बैठक और सबसे बड़ी इसकी लेंथ देखिए कबूतरी कितनी है। ये देखिए एक का फुलसरा है ये, और मटमैली आंखों में है। आपको भी शौक करा एक बार इसको पकड़ा, बैठक तो देख लिया आपने। ये देखो शानदार, मैं और थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक मेरा कलसरा ये है भाई नीचे वाला, और उसके बाद एक कलसरा मेरा ये है। गेट, हाँ गेट बंद कर दो, ये तो कबूतर निकल जाएंगे। उसके बाद भाई एक कलसरा, पंजाबियों की ये अच्छी लगती है कि आराम से फोटो खिंचवा लेते हैं। ये थोड़ा कलसरा ये रही है, ये भी बड़ा कबूतर है शायद, जोड़ों वाला। ये सब बड़ा कबूतर है, सारे बड़े कबूतर है जिनके बच्चे सारे। ये मदीना है, फीमेल का शौक करिए इसकी। कबूतरी पट्टी थी भाई जो जो मेरे पास डे नाइट मैच में, अच्छा 20 घंटे उड़ी थी। अच्छा 20 घंटे, हाँ 19:30-20 घंटे वो कबूतरी उड़ी थी। इस कबूतरी पट्टी थी भाई, रात को बैठी थी 2:15 बजे। 2:15 बजे बैठी, सुबह कितने बजे की फड़क थी? 7 बजे की फड़क थी भाई वो। हाँ सर्दियों में तो इतने बजे के, और उसका भी शौक करवा देता हूँ मैं आपको। देखिए गहरी कल से भी दिखा देते हैं आपको, इसकी आंखों का भी शौक कराऊंगा आपको। ये देख लो उसकी आंखों का शौक भी कर लो, बहुत प्यारी जैसा सर का थोड़ा है ना, और बॉडी लेवल भी बहुत अच्छा है इसका। ये देखो भाई बैठा देखिए, पतले से छोटे से, और दोस्तों डे नाइट में जो उड़ते हैं कबूतर इसी छतरी पे बैठते हैं, इस पे या फिर ये वाला लॉफ्ट है अपना पूरा, ठीक है इस पे आके बैठते हैं। ललसरे कबूतर का शौक करो भाई। अब ये देखो ललसरे और कलसरों में आ जाते हैं, ये मेरे कबूतर थोड़े ललसरे कबूतर, लाल चुने भी है ललसरे भी है इसके अंदर। एक जोड़ ये है अपना भौरों का, ये देखो भाई, देखो आशीष भाई ये दिखाना लाल चुना कबूतर मेरा, लाल चीना तो तुम्हारे साथ ये उड़ा था ये। हाँ नहीं हाँ, इसके बच्चे उड़ते भाई, बच्चे उड़े थे। हाँ अच्छी आंखों में है, और एक मेरा सारा कबूतर इसका शौक करो भाई। इसकी भाई 16 पूंछे है। अच्छा हाँ ये भी जोड़े वाला, आपका शौक कर लो। हाँ ये जोड़े वाला ही है, पहले उड़ता था बाजियों में, मटमैली आंखों में है। धूप में तो एकदम ही बारीक कर लेते होंगे एकदम, बिल्कुल। एक मेरा ये है कबूतर जो सबसे पहले कबूतर दिखाया था उसका बच्चा भाई ये। इसके जो माँ बाप थे आज से 10 से 15 साल पहले लेके आए थे हम पंजाब से, 40,000 रुपए का जोड़ा लेके आए थे। ये वाला 40 का नहीं, इसके जो माँ बाप, अच्छा इसके माँ बाप, हाँ 40,000 रुपए का जोड़ा है अभी है या फिर वो। हाँ वो जो कबूतर सब फर्स्ट टाइम शो करवाया जो सबसे अच्छा, पहले वीडियो में पहले शो, हाँ हाँ वो कबूतर। अच्छा, एक मेरी कबूतरी इसका शो करो भाई, एक मिनट फोकस। ठीक है, कच्ची पीली आंखों में ये, हाँ कच्ची पीली आंखें कह सकते हैं। एक ये ललसरा कबूतर है, शान स्वभाव कबूतर होते, बड़े प्यारे होते, इनमें तो मदरासी होते तहस नहस। ये भी देखिए ललसरी पीली आंखों में, बाकी ओवरऑल ऐसी आप देख लीजिए बैठक में दिखा देता हूँ आपको। एक सफेद आग के पीछे कबूतर दिख रही होगी आपको, ये देखिए यहाँ
एक लंसरा उधर देखिए भाई, क्या जबरदस्त बैठा है इसकी। ये भाई दड़े में बच्चे उड़ते हैं इसके, अच्छा दड़ो वाला होगा। हाँ, इसकी गारंटी होती है बच्चों की, गांव नहीं काटेंगे इसके बच्चे। अच्छा बिल्कुल। तो दड़े वाले कबूतरों की क्या पहचान होती है वैसे? कुछ पहचान होती है, बस नस्ली होती है ये? वो अंदरूनी खून एक ऐसा होता है भाई जो वो बनाया जाता है उस टाइप का। अच्छा, बाकी आंखें चोचे सब एक जैसे, सब एक जैसे ही होंगे। एग्जैक्ट मतलब देख के बता पाना मुश्किल है। और कई आदमी जो कहते हैं रुकेगा भाई, कई कबूतर हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने तीन बाजी हमारी अगले गांव से, फिर वो भी भग जाते हैं। हां ये तो है, ये यहां पर उड़ा हुआ है दड़ों में काफी ना। कौन सा ये वाला उड़ाया है दड़ों में? नहीं, इसके बच्चे उड़ाए थे भाई। रेडी करना कबूतर, फिर दड़ों में रेडी करना बड़ी बात हो जाती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक इस कबूतर की आंख का शौक करवाता हूँ आपको। रिंग जो है आगे की तरफ झुका हुआ है ना। दोस्तों इस बार के कुछ पट्टे जो निकले थे वो आपको शौक कराते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या है पट्टे थोड़ा निकालना बड़ा मुश्किल, जोड़े कम लगे होते हैं ना भाई। हाँ जोड़े कम होते हैं जब वो अंदर लगे होते हैं, और पट्टों का शौक करिए। तो इनके इनके भाई बहनों का क्या रिजल्ट रहा है? इनके भाई बहन अभी दिखाएंगे आपको। ये जो शौक करो दोस्तों, ये देखिए भाई, ये वाला पट्टा देखिए छोटा सा जो है। और दोस्तों बाकी कुछ पट्टे ये हैं, ये देखिए कुछ निकले पड़े हैं पट्टे, तो भाई के निकलते ही रहते हैं। ये कुछ मद्रासी हैं इधर वाले हैं, मद्रासी पट्टा हुआ ना। दोस्तों ये देखिए, बाकी बताऊंगा अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल हो जाते हैं भाई के पास सेल में। जानू मतलब समझाया बेटा, उसका भी शौक कराएंगे। अरे कबूतर देखिए सफेद आपको, चल एक एक और पैर झुला दे इसको, पड़े तू झुला इसको वहां पड़। तो दोस्तों कुछ उड़ने वाले का उधर दिखाते हैं, जो इस बार डे नाइट में ऑल इंडिया में बाजी में जो उड़े थे ये वो भी आपको दिखाते हैं। 2 बजे रात को बैठी थी कबूतरी पर, ये वो वाली इसकी बहन थी, ये ही कबूतरी सुबह 2 बजे बैठी। हाँ वो इसकी माँ थी जो दिखाई थी आपको फुलसरी, वो इसकी माँ थी। ये कबूतरी रात को 2:15 बजे बैठी थी। बहुत बढ़िया जी, बैठक देखिए भाई, सबसे ज़्यादा लास्ट में यही बैठी थी, मोहर लगी हुई है। अब पड़ झाड़ दिए इसका मतलब ये फिर उसमें गर्मियों में भी उड़ी। हाँ हाँ, ये गर्मी में उड़ी थी, 13-14 घंटे कर लेती है गर्मी के अंदर भी। अच्छा, ज्यादा टेम्परेचर के अंदर 8-10 घंटे का मतलब मोटरसाइकिल वाले में भी ओवर हो गई। मोटरसाइकिल वाले में रात को 8:30 बजे बैठी थी, ओवर जो हो गए थे ना, ओवर हो गए जो ओवर हो गए थे मैं कबूतर बाइक वाले में। पंजे कबूतर वो है भाई, नाखून देखना इसके, मैं नाखून आपको दिखाऊंगा। चांद नुमा पंजे हैं, काले काले लंबे लंबे। एक कबूतरी मेरी ये ओवर हो गई थी पहले में भी। अच्छा हाँ, ये कबूतरी ये देखिए आंखों का शौक करिए। लाल जर्रा पने आंखों में, इसके भी आप नाखून पे नजर मारेंगे कितने लंबे हैं। इन कबूतरों ने अब जिन हिसाब से 14 या 15 घंटे किए थे, कबूतर 13.5 घंटे रोड पार हो ही गए थे, कबूतर प्लस उड़े थे सारे। हाँ, बैठते पे 14 घंटे प्लस ही हो गए, 14 घंटे प्लस एवरेज अगर निकाला जाए तो 13 घंटे के आसपास का कुछ एवरेज था। इसमें थर्ड इनाम भाई का था, तो ऑल इंडिया में भाई। हाँ मोटरसाइकिल में ओवर करो उस कर गए थे कबूतर अपने, एक शॉप करो भाई मोटरसाइकिल उड़ने वाले कबूतरों को शॉप करवा रहे हैं भाई आपको, जो बाजी में उड़ रहे हैं सारे 12, 13, 14 घंटे। कितनी फ्रैंक है ये वाले, इसको लग रहा है इसे मतलब पाला हो एकदम हाथों से। आके देखना भाई इसकी आंखें क्या प्यारी आंखें, बहुत प्यारी कबूतरी है, जबरदस्त। जाओ तुम बच्चों को नीचे छोड़ दो। ये भाई अभी कुछ ये आपको उड़ने वाला कबूतर का थोड़ा शौक किया जा रहा है आज। ये अब देखो एक पट्टा ये भी है, ये सिर्फ वही है सारे जो उड़े हुए हैं। हाँ, बाजी में नहीं, ये कुछ अभी जवान अच्छा, अभी ये जवान हुई है, ये जो शुरू के 3-4 दिखाए थे उड़े थे, ये लास्ट वाली छोड़ के बाकी सारे बाजी वाले।
ये भी पट्टी भी जवान हुई है। अच्छा, ये भी अब उड़ेगी 2024 की बाजू में ये सारे उड़ेंगे। ये लो दोस्तों, शॉप करो। ये भाई बाइक वाली बाजी में कबूतरी ओवर करके थी, ये गर्मी के अंदर भी ओवर करके थी, जो गर्मी की बाइक उड़ाई थी मैंने बाइक अपनी पार्टी का। 12 घंटे प्लस उड़ गई थी नहीं नहीं, उसमें तो 14 घंटे का टाइम होता है गर्मी के अंदर, तो ये उसमें भी क्रॉस कर गई थी और इस बाजी में भी क्रॉस कर गई है फाइनल मैच के अंदर। चीनी कबूतरी है, काली चीनी, काले, इसकी बहन भी हथियार होगी ऊपर बैठी आपके सामने, ये भी इसी की बहन है, ये भी उसी से हिसाब से उड़ेगी। ये नए पट्टे भी निकल रहे हैं, ये तो अपना उड़ी बाजी में। ये आपको ये सब उड़ने वाले कबूतरों का शौक किया जा रहा भाई। एक ये बच्चा निकला है मेरा, इसकी थोड़ी सी ना बॉडी लेवल बहुत बहुत ऊंचा है, अगर ध्यान से बैठक जो है हाँ, बैठक जो देखेंगे ना का ही है। अब देखिए कितने ऊंचे हाँ। बैठक का है, पंजे देखिए आप, एक कबूतर का शौक ये करो भाई, पंजे बड़े शानदार हैं सभी कबूतरों के। ये डक वाली क्या कहते हैं इसको, डग्गे वाले, डग्गे वाले हाँ। डग्गे वाली नस्लों में से हैं ये, देखिए नली भरे पाँव मोज। एक मेरे इस कबूतर का शौक करो, काला चीना है, इसकी 14-15 पूछे है भाई। तो इसका इससे उड़ान में कुछ फर्क पड़ता है वैसे? हाँ, ये प्योरिटी की निशानी होती है, जिन कबूतरों की ज्यादा पूछे होती है वो जो कबूतर होते हैं प्योरिटी की निशानी कबूतर होते हैं। हाँ, पीछे का बट लाइन इसका रहा होगा। हाँ हाँ, पीछे भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके माँ बाप के भी इतने पूछे हैं, बस इसकी निकल गई है। अगर निकल गई पंजाब से लेके आए थे हम, कई साल पंजाब से लेके आए थे, तो पीछे का रहा होगा इनका कुछ। ये मेरी कबूतरियाँ सब बाजियों में उड़ती हुई हैं, ये सारी बाजियों में उड़ी है। देखो दोस्तों, मोहर सारी खाई है, सफेद आंख की कबूतरी है, चिट्टी सफेद आंखों में। अब कुछ नरों का शौक करवा देते हैं। दोस्तों, ये लॉफ्ट है जो नरों वाला सेक्शन है, उसमें कुछ शौक कराते हैं आपको। ये भाई मेरा कबूतर है, इसको पंजों का शौक करो पहले तो। गजब नाखून देख, ठीक है, तलवार वाली, और इसकी पलके देखो, ये मंदराशि में लाल पलके गुलाबी पलके देखने में मिलती होगी, ये पंजाबियों के अंदर, पंजाबियों आंखें देखी कितनी जबरदस्त है। ये मेरा कबूतर नाम है पाकिस्तानी कबूतर। अच्छा हाँ, ये मैंने बचपन में इसका नाम पाकिस्तानी हाँ, कभी उसका वीडियो देखा था किसी टाइम में, तो उस दिन मैंने ऐसे कबूतर देखे थे, तो ये बच्चा उस टाइम निकला था, तो जुबान से इसका नाम पाकिस्तानी रख दिया गया था। अच्छा, इस कबूतर को मेरे पास लगभग 3 साल हो चुके हैं बाजियों में उड़ते हुए। 3 साल हो गए हाँ, लगभग तीसरी गर्मी अब गई थी इसकी। अच्छा, तो इस कबूतर को भी टैबलेट यूज नहीं की मैंने। अच्छा, कभी कोई सिंपल मटके का पानी देख उड़ाते उसको हाँ, अलग से एक्स्ट्रा मटके का घर से पानी, और इस कबूतर में कभी भी गर्मी हो चाहे सर्दी हो 11-12-13 घंटे से कम कभी एवरेज निकाली नहीं है। ठीक ठीक ठीक, 12-13 घंटे अक्टूबर के अंदर तो ये समझ लो 8:30-9:30 एवरेज रहती है इस कबूतर की। शौक करो इस कबूतर का भाई, क्या खासियत रही आपको बता दी इसमें, और लगातार ही उड़ रहा है शायद, लगातार ही और आगे और उड़ेगा। ये पंजे बड़े शानदार हैं भाई सभी के, इसीलिए कहते हैं पंजे लाखों लंबे होने चाहिए, चांदनुमा पंजे होने चाहिए, तो कुछ कोयोटे की निशानी हो जाती है। और एक इस कबूतर का शौक करो जी, लाल चीना, ये ललसरा भी कहते हैं। कई भाई से कुछ कहेंगे, कई भाई कुछ कहेंगे, भाई ये साहिल हारपुरी नस्ल है ये। लाल कलसरा गहरा या छापदार का, ये लाल चीना गाढ़ा, लाल चीना गाढ़ा चीना। बैठक देखिए दोस्तों, ये साहिल भाई उड़ाया कभी, इसको नहीं उड़ाया, ये उठता था बचपन में। अच्छा, था पहले उठता जोड़ों के लिए, जोड़ों के लिए बोलते उम्र दराज हो गया ना। ठीक 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 ठीक, तो लॉफ्ट का अंदर से काफी चेंजेस कर दिया, पहले वो लगा रखे थे सारे सेक्शन जो पीछे रखे पड़े हैं वैसे, दोबारा लगाएंगे वो थोड़े से उसके अंदर ज्यादा जोड़ा खाने लगे थे। अच्छा अच्छा, और नर्मदी ने खट्टे बैठने लगे थे, उसको बनाने लग गए, इसीलिए किया। अभी कुछ बच्चे जवान हुए उड़ने के लिए भाई, रेडी हुए इस बार।
ये भी सब 10-12 घंटे 10-12 घंटे रेडी करके। साहिल भाई ने तो एक टाइम पे समझ लीजिए कि पंजाबी पे बैन भी लगवा दिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किसी का नंबर ही नहीं आता था भाई। दिल्ली शहर में कबूतर पंजाबी बैन हुआ था तो इसी छत की वजह से, इसी छत की वजह से हुआ था, क्योंकि ऑल इंडिया के बहुत सारे नाम लगे हैं। नसीब था, कभी हमारे लक चल रहा था नसीब समझ लो, जो कि कई साल, एक साल नहीं कई साल तक रेगुलर इनाम के अंदर रहना था रेगुलर, और ज्यादातर हो सकता फर्स्ट भर दिया है तो समझ लो इनाम लगने के चांस 90% रहते हैं। अगर हमारी गई है तो कोशिश यही रहती थी फर्स्ट के लिए लड़ते थे, या तो कबूतर हमारे ओवर करे है या फर्स्ट पे रहते थे, बस यही होता था। पहले कभी नहीं बैठे टाइम से, पहले कभी नहीं, या तो फर्स्ट मारेंगे या कबूतर ओवर करेगा, और आज तक भी हम यही करते हैं। बहुत से भाई होते हैं सोच रहे कोई ना कोई नंबर लग गया है उतार लो, एकदम लास्ट में बुलाते हैं, बिल्कुल लास्ट में, या तो बैठ गया, या तो फर्स्ट, या फिर कोई बात नहीं, या कुछ नहीं फिर ठीक है। ये कुछ बच्चे अभी नए जवान रेडी हुए भाई, लाल आंखों में भी गहरी, तो इन बच्चों को थोड़ा सा ये देखिए बैठक देखिए इसकी, एक ये देखो और ये मेरे कलसरे थोड़े पुराने कबूतर है, लखवे में भी आ गए, इन्हीं के ज्यादातर बच्चे अच्छे चलते हैं। आप अभी भी इसको संभाल रखा है, अभी भी इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ते हैं। ये रश का भाई, इसी का ही भाई है। हाँ बिल्कुल, ये एक जोड़े के 10-12 बहन भाई है मेरे पास। अच्छा, एक ही जोड़े के 10-12 बहन भाई है। क्या खासियत रही है इनके ज्यादा? ये थोड़ा गर्मी के अंदर भी, इनके अंदर ये कभी बैठने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, लास्ट में ये हमेशा दम लगा देते, ये जब भी कभी उड़े है तो इनको कोशिश है ये कबूतर खोल के बैठाना पड़ा। अच्छा, मतलब पूरा दम लगाते हैं जब तक नीचे से आदेश नहीं आएगा। अगर मेरा कबूतर घर पे, मेरा कबूतर घर पे मान लो 2 बजे बैठ रहा है, 3 बजे बैठ रहा है, तो इनकी कोशिश होती है 4-5 बजे बैठने की। ठीक ठीक, इस चक्कर में मेरे को उनको पहले बुलाना पड़ता है, थोड़ी देर सोना भी पड़ता है भाई गर्मी के अंदर। बिल्कुल, मैं थोड़ा हम ही ऐसा है क्या दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, दोनों टेढ़े में आ गए बेचारे हैं। हाँ हाँ, दोनों भाई, सारे बहन भाई टेढ़े में ही है ज्यादातर अभी, लेकिन फिर भी संभाले। तो अभी दाना ना खा लेते हैं, अभी चुगाना पड़ता है। बच्चे पालते हैं भाई, अच्छा, पाल रहे हैं बच्चे ही पालते हैं, वो बस छूते हैं तब आते होंगे। हाँ, तो नॉर्मल, नहीं ये तो एक्टिव रहते छत के ऊपर। अच्छा, ये बच्चे ही पालते हैं। बहुत बढ़िया भाई, यही कम कबूतर शौक करते हैं भाई हम, गिने चुने रखो, बढ़िया गिने चुने कबूतर रखते हैं हम अपने। तो जैसे अगर कोई भाई पंजाबी खरीदना चाहे तो उनके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, पर छोटे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जोड़े ज्यादा होते हैं भाई, इसलिए थोड़ा सा दे देते हैं हम, फिर उतना लोग है भी नहीं रखने के लिए, ना हम उतने के शौकीन है। तो मैं नंबर डाल दूंगा आपको, किसी भाई का, किसी भाई को अगर उड़ाने वाले कबूतर, उड़ाने वाला शौक हो बिल्कुल, तो रेंज क्या रहेगी, तो मतलब उसका बता दीजिए थोड़ा अंदाजा। रेंज भाई हर कबूतर की अलग होती है, देखो ठीक है, तो पट्टों का हिसाब है, हर कबूतर की अलग रेंज होती है, बाकी जो एवरेज होती है 1500-2000 रुपए बच्चे के, 2000 के बच्चे हैं, लेकिन गारंटी पूरी रहेगी। हां हां, गारंटी उड़ेगा, रिटर्न गारंटी। हां हां, उड़ेगा, देखो कबूतर आज भी कोई हुआ, उड़ाने वाले पे भी होता है, 7-8 घंटे 9 घंटे ही कबूतर अपनी मर्जी से उड़ता है, उसके बाद 3-4 घंटे कबूतर बढ़ाता है, वो कुछ कबूतरबाज की मेहनत बढ़ाती है, कुछ उसकी खाई पे बढ़ाती है, खुराक में खुराक बढ़ाती है। जाहिर सी बात है, जिम कर रहे हो तो फिर आपकी खुराक बिल्कुल 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 बिल्कुल, कबूतर को भाई उड़ाओगे वो पर मारने का ज्यादा मेहनत करेगा, तो उसके लिए एनर्जी बूस्टर का काम, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मल 7-8 घंटे तो इनके लिए नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल 8 घंटे कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम उड़ा लो। और मेरे बच्चों की थोड़ी खासियत ये होती है कि जब 7-10 दिन उड़ेगा बच्चा तो कोशिश करेगा कि 8-10 घंटे 8-10 घंटे पूरा दम लगाता है, पूरा दम लगाने की सब रिलेटेड प्लेयर है ना, और एक ही दो की नस्ल, एक बच्चा करता है एक महीने में 8-10 घंटे, एक बच्चा करता है एक हफ्ते के अंदर, तो उसका थोड़ा फर्क आता है जोड़ों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना भाई के कबूतरों की, और ऐसे ही अभी और भी कबूतर के शौक कराएंगे बाद में, अलग अलग छतों के अलग अलग बढ़िया, जो अपने टॉप 3 थे उनकी कोशिश रहेगी कि टॉप 3 जो थे उनका भी शौक कराएं। आशीष भाई को बहुत ज्यादा सपोर्ट करो भाई, बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, और आप सब चैनल तो चलता ही आशीष भाई के सबसे ज्यादा, ये तो हम भी मानते हैं, ठीक है, पूरा इंडिया ही जानता है इस चीज को, तो मद्रासी पंजाबी में तो चलते ही रहता है और फिर वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा अच्छा शौक कराने की। बाकी आप सबको प्यार है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों साहिल भाई की जो कुछ गिफ्ट है दिखा, वो गिफ्ट क्या है ये, वैसे तो इनकी मेहनत का फल है, इनाम है जो लगे हैं फर्स्ट सेकंड जो भी है। सबसे पुराना है भाई आज से कम से कम मेरे साथ 30-35 साल पुराना है ये, बहुत साल। और बाकी ये है इनाम, देखिए ठीक है।
और इस छत का भाई करता धरता है वो भी भाई को दिखाते हैं। क्या नाम है भाई बताइए वैसे, क्योंकि बड़ा मेहनत करता है भाई। कुणाल मिश्रा है भाई, वैसे भाई प्यार से भाई पंडित बुलाते, सब पंडित जी बुलाते हैं भाई। तो हमें भाई बहुत अच्छा लगता है शौक करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई गर्मी की भाई ने बताई है, अब और मेहनत करेंगे बादाम को इस बार फर्स्ट लेके जाना है गर्मियों में। भाई बाइक सारी जीतेंगे भाई ने, हमने में भाई को प्रॉमिस दिया है, मतलब है भाई को कि हम अब की जीतेंगे, मेहनत करेंगे बराबर। और यही रहेगा कि हमारे पंजाबी जितने भी कबूतर है बड़े उड़े, बस धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, सपोर्ट होना चाहिए बिल्कुल भाई का, और मेहनत करेंगे और अच्छा इनाम लाएंगे। और भाई ये 2000 ये देखिए भाई कितना 5 सुपर इंडिया की है, सेकंड है ये दे। हाँ सुपर इंडिया भाई 2005 ये रहा, समझ गया मैं। आज से कम से कम 17 साल पहले, 18 साल पहले सॉरी। एक्सेल तो ये भाई देखिए, ये देखिए दोस्तों फर्स्ट प्राइज ऑल इंडिया, देखिए दोस्तों 2005 का ये भी है, ये फर्स्ट प्राइज है दोस्तों ऑल इंडिया का, ऑल इंडिया का। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए ऐसी सिल्डे भाई, कुछ तो टूट भी गई होंगी शायद, कुछ तो पड़ी। ये भी 2005 का था, सेकंड वाला जो ऑल इंडिया का था, ये गलती सुपर से उस टाइम, ये अभी बचे हुए हैं और ये सारे पीतल में है। हाँ पीतल में है सारे, और कई बार और भी करके थे ऑल इंडिया में हमारे कबूतर, तो इससे अंदाजा लग जाता है कितने पुराने खिलाड़ी हैं, कितने सालों से कबूतरबाजी कर रहे हैं। उस टाइम पे हमारे कबूतर लगभग कई बार ओवर करके थे, आज से 18 साल पहले तब भी ओवर जाते थे। आज भी जो इंडिया का माहौल है ना, वो 12 घंटे उड़ाने के लिए कबूतर जद्दोजहद करनी पड़ती है हर आदमी को। उस टाइम हम अपने दड़बे से वैसे कबूतर निकाल देते थे, कबूतर बैठता नहीं था कभी। आज से 18 से 20 साल पहले अगर जाओ तब भी ओवर हो जाते थे। सन 2001-2 से हमने स्टार्टिंग की थी कबूतर उड़ाने की। इनाम आज के टाइम किस्मतों का होता है, पर कबूतर फाइटिंग में खड़ा रहता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इतने साल हो गए हमें टूर्नामेंटों के अंदर। होता क्या, कई बार आदमी क्या करते हैं, 2 साल किसी का दौर आता है, 1 साल सबका दौर रहता है यार, किसी का 3 साल का हो जाता है। अगर दौर नहीं जाएगा तो बाकी खिलाड़ी क्या करेंगे बेचारे, फिर तो फिर एक ही बंदे हमेशा बाजी मारता रहेगा, फिर क्या फायदा। और आज भी ऊपर वाले ने इतनी मेहरबानी करी हमारे ऊपर, टॉप 5 में आ ही जाते हैं, टॉप 3 में आए, टॉप 3 में तो आए हैं इंडिया के अंदर। और दिल्ली कप में तो हमेशा ही रहते हैं टॉप 5। दिल्ली कप के अंदर तो भाई हम ज्यादा उड़ाते भी नहीं है मैच, छोटे मैच, बड़े मैच, मोटरसाइकिल वाला या ऑल इंडिया या फिर डे नाइट, ये तो उड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी कबूतर आज तक इतिहास के अंदर उड़ाए, फाइटिंग के अंदर कबूतर रहता है हमेशा मेरा। बिल्कुल, उसमें कई बार क्या होता है, ओवर भी होते हैं कबूतर, उसके अंदर 2-4 कबूतर कभी अप डाउन भी कर लेते हैं, ऊपर नीचे तो चलता रहता है वो तो। और अगर मैं 20 मैच अपनी बताऊं, 20 मैच अगर मैं सर्दी गर्मी को उड़ाता हूं, तो लगभग 5-7